यह 11 वर्षीय बच्ची है नंदिता राय, कटिहार के ओटीपाड़ा इलाके में रहती हैं। आज अपने पिता अलेश चंद्र राय और माता पूनम राय तथा भाई जयशंकर के साथ माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए मनिहारी गई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि आज नंदिता की ये यात्रा उसके जीवन की अंतिम यात्रा होगी। गंगा स्नान के दौरान नंदिता राय की मौत पांव फिसलने से चली गई। नंदिता के गंगा में डूबते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए। लोगों ने नंदिता को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अफसोस, नंदिता को बचाया नहीं जा सका। नंदिता के पिता ने प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बताया कि जहां ये घटना घटी है वहां बैरिकेडिंग भी नहीं लगाई गई थी। वो जाकर के वस्तु भाग गई नीचे, उधर पानी ज्यादा था। इसके बाद ज्यादा जब तक हम भी हेलने नहीं जाते थे, जानते थे, हम गए उधर तब तक वो भीतर चल गई। कुछ लोग जो है उसको निकालने का प्रयास भी किया तो वो बेचारी तब तक खत्म। बैरिकेड नहीं था वहाँ पे? बैरिकेड इधर उस साइड में नहीं था, उस साइड वाला में किया था जी। वहाँ बैरिकेड नहीं किया हुआ था? नहीं, उधर नहीं था बैरिकेड। क्या नाम है आपका? अलेश चंद। आपकी बच्चा क्या नाम है? नंदिता राय। वहाँ पर देख लेना कि बच्चा पानी में, पानी में जले तब ये डर खा के बाहर नहीं निकल। फिर कैसे निकाला? कुछ लोग सब हेल करके निकाला उसको। इधर कुछ लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष 2023 में भी माघी पूर्णिमा के दिन एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसमें सूरज की डूबने से मौत हो गई थी। इसलिए आवश्यकता है स्थानीय प्रशासन को और भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत है ताकि माघी पूर्णिमा के दिन दोबारा ऐसी कोई दर्दनाक घटना न घट पाए।